नमस्कार भवप्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में शिक्षकों की किल्लत बहुत है, वहीं शिक्षकों की बहाली की व्यवस्था भी बेहद ही लचर है। ऐसे में जितने शिक्षक स्कूलों में मौजूद हैं, उनकी भी नौकरी पर तलवार लटके तो छात्रों के भविष्य पर सवाल उठना लाजमी है। साथ ही शिक्षा व्यवस्था के भी धूमिल होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। हालांकि बिहार में एक बार फिर से शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक रही है। राज्य के सरकारी स्कूलों में पंचायती राज और नगर निकायों के तहत 2006 से 2015 तक नियुक्त वैसे शिक्षक जिनके प्रमाण पत्र अब तक नहीं मिले हैं, उनकी नौकरी जाने की बात कही जा रही है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने सभी जिलों से शिक्षा विभाग की तरफ से NIC की मदद से तैयार वेब पोर्टल पर इन शिक्षकों के नाम और प्रमाण पत्र अब तक अपलोड नहीं होने का कारण बताने को कहा है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर चल रही है। निगरानी ब्यूरो की तरफ से साझा जानकारी के अनुसार पिछले 7 साल से इस जांच को करवाने का काम हो रहा है। साल 2006 से 2015 के बीच नियुक्त शिक्षकों में से जिनके फोल्डर निगरानी जांच के लिए विशेष तौर पर शिक्षा विभाग के वेब पोर्टल पर अब तक अपलोड नहीं करने का काम किया गया है, उनकी ही नौकरी पर तलवार अटका हुआ है। राज्य सरकार की तरफ से इससे संबंधित निर्णय लिए जा चुके हैं। इसको लेकर सभी जिलों की निगरानी जांच के मद्देनजर प्राथमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जांच का निर्देश भेज दिया गया है। हाल ही में साझा किए गए निर्देश के साथ ही निर्देशकों ने जिलों से शिक्षक के फोल्डर, उनके नाम और प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किए जाने के कारण को पूछा है। इस दौरान ही उन्होंने जिलों को इस मुद्दे को लेकर पिछले साल 19 अगस्त को भेजे निर्देश की भी याद दिलाई है। ज्ञात हो कि जिलों ने प्राथमिक निदेशालय को इस आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट भी नहीं दी थी। सीएम नीतीश ने खुद ही इसी साल फरवरी महीने को नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की निगरानी जांच की समीक्षा की थी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने उसी दौरान बताया था कि करीब 1.03 लाख शिक्षकों के फोल्डर निगरानी जांच के लिए अब तक उपलब्ध नहीं है। विभाग ने यह निर्णय कर लिया है कि ऐसे शिक्षकों की नौकरी अब समाप्त की जाएगी। शिक्षा विभाग ने नियोजित 3 लाख से अधिक शिक्षकों को निगरानी जांच के लिए अपना प्रमाण पत्र वेब पोर्टल पर अपलोड कराने के लिए पर्याप्त समय दिया था। इस पोर्टल को पहली बार 21 जून से 20 जुलाई 2021 तक खोला गया था, फिर आखिरी मौके के रूप में 23 से 31 अगस्त 2021 तक पोर्टल खोलने का काम किया गया था। विभाग ने साफ साफ इसको लेकर कह दिया है कि इसके बाद भी जांच में शामिल नहीं हुए हैं तो नौकरी जानी अब तय है। बावजूद इसके 1 लाख शिक्षक के फोल्डर अपलोड नहीं हुए हैं, जो कि चिंताजनक है। इसके साथ ही जो एक बड़ी खबर आई है, उसके तहत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों के लिए नियुक्त परीक्षा 31 मई यानी मंगलवार को होने वाली है। इसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न और बीएड कोर्स से 50 प्रश्न की वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय परीक्षा होगी। ये परीक्षा OMR शीट पर होने वाली है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।